के भीतर ताजिक संबंध, लग्नेश का सप्तमेश का बन रहा हो और उनको कोई भी ग्रह पाप ग्रह मणौ योग ना बनाए तो विवाह के बारे में कहना चाहिए। किंतु यदि कर्क लग्न का प्रश्न हो तो उसमें तो संबंध बहुत तीव्रता से बनेगा, क्योंकि शनि और चंद्रमा, शनि से चंद्रमा बार बार गति बना के अलग अलग स्थानों से इतिशाल करेगा। तो कर्क लग्न के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रश्न उत्पन्न हो तो ये कह देना चाहिए कि अभी बात चल रही है, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर आगे बढ़ेगी। अब वो ये पूछे कि समय कब होगा, तो नवांश में जो उदित राशि होगी उसके स्वामी के अनुसार व्यक्ति को समय का निर्धारण करना चाहिए। विवाह के अंदर आने वाली अत्यधिक कटुता, यदि लग्न के भीतर शनि हो और सातवें स्थान में चंद्रमा हो, या चंद्रमा लग्न में हो सातवें स्थान में शनि हो, किंतु ये लग्नेश और सप्तमेश नहीं होने चाहिए, अर्थात कर्क लग्न नहीं होना चाहिए, तो कई बार ये विवाह के लिए सुखद योग में नहीं सम्मिलित है। इससे विवाह में काफी समस्याएं देखने को मिली है। इसके उपरांत जैसे अभी बताया था, आठवें स्थान में अमावस्या हो तो भी ये दिक्कतें देखने को इसमें मिली हैं। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जहां लड़के और लड़कियां अपनी एक दूसरे की पसंद से अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो अपनी पसंद से जब जीवन साथी चुनते हैं तो क्या प्रेम विवाह के लिए जो योग बताए गए हैं वो देखने चाहिए, क्योंकि प्रचलन तो बढ़ रहा है, तो क्या आने वाले समय में सभी कुंडलियों में प्रेम विवाह ही देखा जाएगा? प्रेम विवाह के लिए जन्म पत्रिका के कुछ योग और कुछ भाव और कुछ नक्षत्र, इसके उत्तराधिकारी हैं, उनके कारण से ये बनता है। यदि लग्न के स्वामी, पंचम के स्वामी और सप्तम के स्वामी का आपस में दृष्टिपात हो, तो ऐसा देखने को मिला है कि ये लोग अपनी पसंद से अपना जीवन साथी का चयन करते हैं। स्वाभाविक है, आज भी किसी कन्या के ऊपर ये बाध्यता तो है नहीं, और उसको बताया भी जाता है कि प्रस्ताव आया हुआ है, आप देख लीजिए। लड़के को भी बताया जाता है, तो अभी भी पसंद से ही हो रहा है। किंतु जिसको हम ये कहें कि उसमें परिवार को बाद में बताया जाए, पसंद पहले हो, ये उस उन योगों में है, अर्थात जहां पे लग्न अर्थात व्यक्ति स्वयं कन्या या वर, पंचम उसकी मेध शक्ति विचार या सोच बुद्धि वो, और सप्तम उसका दाम्पत्य, यदि आपस में युति कर रहे हैं उनके स्वामी ग्रह, तो ये देखा गया है कि उससे प्रेम विवाह के बारे में संकेत मिलता है। दूसरा, ऐसा भी देखा गया है कि यदि इस योग के भीतर तृतीयेश भी सम्मिलित हो जाए, क्योंकि यदि ठीक प्रकार से हो रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यदि परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध हो रहा है तो साहस भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। तो यदि इसके भीतर तृतीयेश
तीसरे स्थान का स्वामी भी सम्मिलित है। तो ये तो कहा जा सकता है कि हठपूर्वक होगा, अपनी पसंद से और जबरदस्ती से भी करेंगे। चौथा, शुक्र आकर्षण का और मंगल ऊर्जाओं का ग्रह है। यदि जन्म पत्रिका के भीतर ये दोनों ग्रह लगभग 6 डिग्री के भीतर भीतर एक ही स्थान में हो, विशेषकर लग्न में या सप्तम में या पांचवें में या 11वें स्थान में, तब भी व्यक्ति अपनी पसंद का विवाह करता है और अपनी इच्छाओं के अनुरूप ही उसको समाज के सामने बताता है। इन सभी योगों में, इन सबके उपरांत भी यदि बृहस्पति, मूलतः बृहस्पति के बारे में कहा गया है, वो किसी भी प्रकार से सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर अपना दृष्टिपात करे, तो प्रेम विवाह तो होगा किंतु सामाजिक मान्यताओं से, स्वीकार्यता से होगा। नक्षत्र, प्रेम विवाह के लिए कुछ नक्षत्रों की भूमिका बहुत देखी गई है। अश्वनी सूर्य और संजना के मिलन से उत्पन्न संतान के नक्षत्र हैं। अश्वनी नक्षत्र के भीतर भी ऐसा देखा गया है। रोहिणी, चंद्रमा को सर्वप्रिय नक्षत्र है, इस कारण से रोहिणी नक्षत्र के भीतर ऐसा देखा गया है। अनुराधा, अनुराधा भी एक प्रेम से संबंधित नक्षत्र है, तो उसके भीतर भी प्रेम विवाह देखा गया। और अंत में रेवती, जो कि सौंदर्य देवी का नक्षत्र है, तो उसके अंदर भी प्रेम विवाह देखा गया है। यहाँ पे कौन कौन इन नक्षत्रों में हो तो प्रेम विवाह की तरफ उन्मुक्तता अग्रसर करते हैं। तो जो नक्षत्र मैंने अभी बताए उनमें यदि लग्नेश विद्यमान हो एक, या सप्तमेश विद्यमान हो दो, या चंद्रमा विद्यमान हो तीन, तो ये प्रेम विवाह के बारे में व्यक्ति को थोड़ा प्रेरित करते हैं। और पांचवा, इसमें थोड़ा बहुत इसका भी योगदान रहता है, यदि लग्न में भी ये नक्षत्र उदित है, अर्थात मेष लग्न की कुंडली है और 13 डिग्री 20 मिनट के भीतर भीतर जन्म हुआ है, इसी प्रकार से वृषभ लग्न की कुंडली हो और दस डिग्री के बाद में उसका जन्म हुआ हो, तब भी कई बार प्रेम विवाह के लिए ये उन्मुख करता है। तो प्रेम विवाह के लिए नक्षत्र, भाव, ग्रह, तीसरा स्थान सम्मिलित रहेंगे और उसपे बृहस्पति का दृष्टि देना सामाजिक मान्यताओं के बारे में कहा गया है। एक विवाह के लिए कई बार लोग देखते हैं या नहीं देखते मुझे उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि चंद्रमा से सातवें स्थान में शुक्र बुध एकत्रित हों एक, या चंद्रमा के साथ में शुक्र बुध एकत्रित हों और अंशों में बहुत अधिक समीप हों तो दो, तो ये भी विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा योग नहीं बताया गया है। तो अभी तक के खंड में हमने विवाह से संबंधित ये सारी चर्चा आप लोगों के साथ करी।